महानगर में रक्षाबंधन पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, जिसके संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि महानगर में रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं और त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए शहर में जिले की पुलिस के साथ साथ बाहर से भी पीएससी को बुलाया गया है तथा नए आरक्षियों की ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा कि शासन के निर्देश के अनुसार कहीं पर भी सामूहिक रूप से एकत्र होने पर रोक है। सभी लोगों से अपील है कि शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए विस्तृत रूप से सुरक्षा की जो तैयारियाँ की जाएंगी, जो जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं जहाँ पे लोगों का आवागमन होने की ज़्यादा संभावना है, वहाँ पे विस्तृत रूप से ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। ड्यूटियों में स्थानीय पुलिस के अलावा अन्य बाहर से आई फोर्स, पीएसी, होमगार्ड्स और वे आरक्षी जिन्होंने अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी की है उनको भी इसमें यूज़ किया जा रहा है। साथ में ड्रोन कैमरे से भी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी निगरानी की जाए। सर, कोरोना वायरस चल रहा है, कल रक्षाबंधन कैसे लोग त्यौहार मनाए? कोई देखिए, शासन के द्वारा बड़े ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सामाजिक रूप से इस तरह कोई सामूहिक रूप से इस तरह की चीज़ें ना हो जिसमें लोगों को भीड़ भाड़ या संक्रमण के आशंका बने और 5 से अधिक लोग कहीं एकत्र न हों और शासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते रहें लगातार। इसके लिए लोगों को अपील भी की जा रही है, उनको सूचना भी दी जा रही है।